बेटियां घर को फूलों से भर देती हैं, ऐसा हमने सुना जरूर है, लेकिन टीना के घर में ये कहावत लिटरली सच हो गई है, क्योंकि यहाँ आप जहाँ देखेंगे वहाँ बुकेज ही बुकेज और उनकी खुशबू फैली हुई है। आज हम आपको उस टीना डाबी से मिलवाने जा रहे हैं जो UPSC से पहले की ज़िंदगी में कैसी थी और UPSC के अलावा टीना की पर्सनैलिटी कैसी है, वो शख्सियत कैसी है। हंसती मुस्कुराती आपने हर इंटरव्यू में देखी है, लेकिन आज हम शुरू करेंगे स्कूल की टीना से। टीना, ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जो ये बता रहे हैं कि राइट फ्रॉम स्कूल यू हैव बीन एन अचीवर, तो अगर आप इन फोटोग्राफ्स को जल्दी जल्दी हमारे लिए एक्सप्लेन करें, कैसी आपकी लाइफ इस इन फोटोग्राफ्स के जरिए गुजरी है? वेल, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग रहा, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें कोई सर्टिफिकेट मिल रही है फॉर हिस्ट्री में 100 लाने के लिए, इसमें पॉल साइंस में मिल रही है, बीच में मेरी सिस्टर की भी है। ओके, फिर ये फोटोग्राफ जो है ये सुषमा सेठ के साथ है, ये कुछ याद है आपको क्या हुआ था? शी वॉज द चीफ गेस्ट, शी इज ऑल्सो फ्रॉम माई स्कूल, तो उनको बुलाया गया जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स थे उनको अवार्ड देने के लिए। दिस इज माई प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल। ये वाला इज कॉलेज का फॉर बेस्ट स्टूडेंट। इट्स अ वेरी बैड फोटो, प्लीज प्लीज इसको उस पे फोकस नहीं करो प्लीज। हम इसका क्लोजअप ले चुके हैं, बाद में लगा देंगे, डोंट वरी। आप ये बताइए कि ये एक और है यहाँ पर? नहीं नहीं, ये अभी मैगजीन वालों ने दिया है। ओके, दिस इज अ डिबेटिंग अवार्ड। ओके, दिस इज फॉर यूथ पार्लियामेंट में मैं डिप्यूटी स्पीकर थी, उस का है। ओके, तो डिबेट्स जो है वो आपका कोर एरिया रहा? डिबेट्स एंड हाँ, मॉडल यूनाइटेड नेशंस एंड यूथ पार्लियामेंट्स, यस, ये आपका कोर एरिया रहा। वो यहाँ पर अवार्ड्स जो है वो भी ये दिखा रहे हैं कि डिबेट्स से भरा हुआ है, राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड देन देयर ऑन। घर में कितनी डिबेट करती हैं? घर में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डिबेट किससे होती है? आई गेस मम्मी से ही होती है, क्योंकि लाइक मम्मी एंड आई इंटरेक्ट सो मच पूरे दिन, बट देन आई थिंक वी हैव अ वेरी नाइस ट्यूनिंग, तो एट द एंड ऑफ द डे सेटल हो जाती है एमिकेबली अब, क्योंकि यू नो शी थोड़ा इसलिए होता है बिकॉज यू नो नाउ आई एम ऑलमोस्ट लाइक आई एम एन अडल्ट एंड आई एम लाइक ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव होम, सो माई मॉम ऑफन यू नो ऐसा होता है कि नहीं नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, आई एम लाइक मम्मा आई एम एन अडल्ट, डोंट ट्रीट मी लाइक अ किड, बट देन आई थिंक शी इज sort of adjusting to the fact ki you know now I'm actually going out to the real world to work, so I think it's fine. dopahar ko 4 baje jab UPSC ka result declare hua to is ghar ki halat badal gayi, Teena ki zindagi zahir hai hamesha ke liye badal gayi, is ghar mein ek bahut bada chaos humne dekha aur ek ke baad ek media houses aur alag alag tarah ke log jo mubarakbad dene ke liye Teena ko aa rahe the, Teena isi tarah ka chaos administrative services mein bhi aap aage face karengi, uske liye kitna taiyar hai? zahir hai training ek lamba period hai, but आपका आपका जो वो है वो क्या कहता है कि चैलेंजेस लेने के लिए तैयार है या डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है चीज़ों को? आई थिंक दोनों, यू नो लाइक देर आर टाइम्स जब आपको थोड़ी डिप्लोमेसी और टैक्ट शो करना पड़ता है, एंड देर आर चैलेंजेस एज वेल, सो आई थिंक दोनों चीज़ें चाहिए एंड 50-50% चाहिए। एज यू सेड टीना फैक्टर, कोई अल्टरनेटिव नहीं। अरे ये तो एक्सप्लेन कीजिए। यू नो ये बड़ी फनी चीज़ है, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी को तो टीना अंबानी अच्छी लगती थी, यू नो व्हेन शी वाज एन एक्ट्रेस शी लाइक द नेम टीना, तो उन्होंने तो मेरा नाम उस पर रख दिया। बाद में जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा तो मुझे पता चला देयर इज समथिंग नोन एज द टीना फैक्टर, फिर टीना फैक्टर इज देयर इज नो अल्टरनेटिव, और ये यूजुअली तब यूज़ होता है जब भी कोई सिचुएशन हो जिसमें एक ही ऑप्शन है और आपको वही करना हो चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, तो ये उन सिचुएशंस के लिए एक बना हुआ है टीना फैक्टर। UPSC आपने वैसे ही क्रैक किया? अब लगता है अब लगता है, पहले तो नहीं पता था। ओके टीना, आप थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस पे आते हैं, आपने डिबेट्स भी हैंडल की हैं, अब आप ये केओस भी हैंडल कर रही हैं, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, एक्टिव पॉलिटिक्स सब देखा है आपने। ऐसे भी हमने सिचुएशंस देखे JNU जैसे जिसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, एक्टिविज्म बहुत होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अब आप तो एक स्टेप आगे बढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ रही हैं जहाँ शायद ऐसी सिचुएशन ऑन दी अदर हैंड आप हैंडल कर रही हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात कही जाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड बट एवरी थिंग विच इज़ गुड हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड विथ रिस्ट्रेंट। आपको खुद पता होना चाहिए क्या लिमिट्स हैं और कैसे काम करना है। देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन गुड एंड बैड, सो दैट लाइन वो खुद एक इंडिविजुअली डिसाइड करता है। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही हूँ, मैं अपने कॉलेज में आई फॉट स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस। एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिविज्म होता है, फिर उसके बाद धरने होते हैं, उसके बाद भूख हड़ताल होती है, अभी भी चल रही है, तो कोई एक लिमिट तय करनी बहुत ज़रूरी है, कहाँ जाके रुक जाना चाहिए। जी लिमिट तो तय करनी होती है, बट
वो इंडिविजुअल खुद ही लिमिट अपनी तय कर सकता है, मैं तो किसी की लिमिट तय कर नहीं सकती। चलिए अभी तक हम वापस इंटेलेक्चुअल टीना की तरफ चले गए, यूपीएससी टॉपर से इंटेलेक्चुअल बातें बहुत होती रहेंगी, अब हम आपको टीना की जिंदगी में लिए चलते हैं जहाँ वो पढ़ती थी, जिस कमरे में, वहाँ क्या किताबें हैं, क्या हालत है उस कमरे की, कभी उस कमरे को आपने खुद ठीक किया है इन ऑर्डर? करना तो पड़ता ही ना, क्योंकि पूरा दिन वहीं गुजारना है तो यू शुड हैव स्पेस टू इट योरसेल्फ। सच सच बताइए। 60% यस, 40% नो, मम्मी करती है। चलिए आपके कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जो रास्ता है वो टॉप करने का निकलता कहाँ से है। ऐसा स्पिक एंड स्पैन कमरा वैसे हमने उम्मीद नहीं की थी, हमें बताया गया था बहुत केओस है, लेकिन अभी यहाँ केओस नहीं है। सबसे पहले मेरी नज़र जिस पर पड़ रही है वो है डोंट क्विट, एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। ये कब लगाया आपने और फिर इसको इन लेटर एंड स्पिरिट भी फॉलो किया? आई थिंक दिस इज आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी ट्रू स्पेशली वेन इट कम्स टू यूपीएससी, क्योंकि आई गेस हर थर्ड डेस्ट लगता है कि बस यार डी हो रहा, यू वॉन्ट टू गिव अप, सो यू नो ये ऐसा लगता है। आई थिंक एवरी थर्ड डे लगता है ऐसा, इट इज सो टफ। सो दिस इज समथिंग, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ या मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, तो दिस इज समथिंग जिस पर नजर पड़ती है कि नहीं करना है, डू इट डू इट, डोंट क्विट डोंट क्विट। ओके, लीडरशिप क्वालिटीज़ की बुक भी हमें दिख रही है। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आपका कमरा है इसको आप खुद एक्सप्लेन करें, व्हाट डू यू डू, कहाँ क्या रखा है? आई थिंक कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम डिमांड करती है कि यू नो इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो अगर सब एक ही तरफ रखा हो तो मुझे कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। सो सब डिफरेंट है, फॉर इंस्टेंस ये पूरा मैंने फॉरेन पॉलिसी का बनाया क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल रहा, तो उसका एक अलग सेक्शन बनाया। करंट अफेयर्स एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड था। इतनी सी किताबों में हो गया काम? नहीं नहीं, दिस इज जस्ट वन सब्जेक्ट, दे लाइक दिस 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 दैट एंड दिस वाज माय स्टडी, सो यू टू सिट हियर एंड मैंने नोटिस बोर्ड काफी लगाया, आपने देखा एक वहां पे भी लगा है यहां पे भी लगा है, बिकॉज यू नो रैंडम थॉट्स आ जाते हैं एंड देन यू नो यू फॉरगेट देम आफ्टर वेल, बिकॉज इतनी सारी चीजें तो याद। So you used to clip them? Yeah, totally, totally. जो भी, for instance, I don't know, ये बहुत पुरानी list है, in fact, ये मुझे फाड़नी है, पर इसमें पता नहीं मैंने कुछ कुछ लिखा होगा। इसमें लिखा है Armed Forces Modernization to print out cyber security insurgency in Northeast and to collect some CA vision. Current affairs का मैगजीन उठानी है, बाजीराव की कोई डेट शिफ्ट करनी है, so you know ये सब ये बहुत पुराना है, I actually have to pull it out. Okay. So, ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीजें जो है वो उनको याद रखना जरूरी है। अभी कोई थॉट आया फिर आप उसे भूल गए, तो बेहतर है इस तरह के बोर्ड रखिए और ऐसा एक जरूर रखिए जो आपको, जैसे टीना ने कहा कि हर तीसरे दिन लगता है कि अब नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं बस, तो फिर आप इसकी तरफ देखिए। यही करती थी आप? जी जी जी, बिल्कुल यही करती थी। आगे चले, इधर भी बताइए। जनरल स्टडीज है, ये जनरल स्टडीज, इतनी सारी जनरल स्टडीज हैं, ये हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी एंशियंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये पॉलिटी है, ये साइंस है, साइंस का कोना बड़ा छोटा है क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज मुझे ज़्यादा नहीं है, तो साइंस वो इकोनॉमिक्स और वो नीचे ज्योग्राफी। फॉर इंस्टेंस आई थिंक ये बुक से आप आइडेंटिफाई करेंगे। पूरी पढ़ा ली, इनफैक्ट ये गिर रही है और पता नहीं इसमें हमने कुछ हाइलाइट्स भी किए हुए हैं, कुछ नोट्स भी बनाए हैं, बीच में फट गई है, तो फट गई। हाँ, इतनी आई गेस इतनी बार हैंडल किया है कि इट्स ऑलरेडी एंड इट्स नियरली हाइलाइटेड टू द कोर, क्योंकि ये नियरली याद करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी मैंने याद करने के लिए इतनी क्या क्या बनाया है। अच्छा आप बताइए, जैसे आपने कहा कि हर थर्ड डे लगता है कि छोड़ना है, यहाँ पे नोट्स भी बनाए हुए हैं, क्या लगता है जब जिन लोगों उससे नहीं हो पाता, दो तीन अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, क्या गड़बड़ करते हैं वो? खैर ये तो अब सबका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है कि क्या गलत करते हैं, बट आई थिंक एक चीज जो काफी बार बच्चे गलत सोचते हैं कि सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ना है, पढ़ना तो है बट स्मार्टली पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है एंड वो प्रिपेयर करना चाहिए, जब वो हो जाए उसके बाद फिर बाकी चीजें देखनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, डू दे हेल्प? अरे 70% ऑफ द पेपर इज न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स। और क्लू आप लोगों को मिल रहा है बातों बातों में कि 70% ऑफ पेपर जो है वो न्यूज़पेपर से डिराइव होता है। और ये देखिए ये जो स्टैक किया हुआ है यहाँ पर, इसका भी रीजन है, मम्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने जॉब छोड़ दी द डे शी डिसाइडेड कि अब आप फोकस्ड होकर पढ़ने वाली हैं, और उसके बाद एज वी वर आस्किंग यू आपको चाय बनानी नहीं आती है, तो इसका क्रेडिट भी आपकी मम्मी को जाता है कि आपको पूरी तरह से फोकस रखा उन्होंने। जी जी बिल्कुल, आज तक के मतलब मेरी मम्मी ने मुझसे कोई घर का काम नहीं कराया, बिकॉज शी वाज लाइक बेटा यू आर गुड इन स्टडीज सो यू डू दैट, बाकी आई विल डू इट।
कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है बट मैंने कभी एम्बैरेसिंग नहीं है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हो, जो थ्रू आउट टॉपर रही हो उसके लिए बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं है. इतना लीवे तो कोई माँ बाप दे देंगे आपको, लेकिन हम आपको किचन में लेके जाएंगे क्योंकि हम उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ जी के भी आप टॉपर हो सकते हैं और 21-22 साल की उम्र में IAS बन सकते हैं. यहाँ मधुबनी पेंटिंग्स भी हैं. हम आपको बता दें कि ये जो मधुबनी पेंटिंग इस दीवार पर लगी हुई है ये भी टीना ने बनाई है. लेकिन टीना, ये मतलब कब मिलता है टाइम ये सब करने के लिए? ये UPSC के टाइम उतना नहीं मिल पाया, ये उसके पहले की है. बट दिस इज़ वन हॉबी जो मुझे बहुत 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 रिलैक्स करती है. और ये दिखने में वैसे थोड़ी इजी लग रही है बट इसको बनाने में बहुत मुश्किल होती एक महीना लगता है इसकी डिटेलिंग करना. डिटेलिंग करने में वही बिल्कुल आपने सही कहा, डिटेलिंग जो है ना इसको करने में एक एक महीना लग जाता है. एक महीना लग जाता है. ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, सिर्फ ये नहीं है इस घर में लगी हुई हैं जो टीना ने बनाई हैं. तो एक IAS के कमरे में आपको मधुबनी पेंटिंग भी मिली है, यानी कि नॉर्मल जिंदगी जीकर टॉपर हुआ जा सकता है. इसका टीना शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल होंगी और पहली बार में क्लियर किया जा सकता है, ये हमें हैरान कर रहा है. आई एब्सोल्युटली लव ड्रेसिंग अप. सो आई विल शो यू माय एक्सेसरीज. ओके. या बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हिच आई मेड. तो ब्यूरोक्रेट और IAS सुन के अगर आपको लगता है ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, किताबों में घुसे रहते हैं, तो दीज आर माय कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स. ओके. तो ये सब आपको खरीदने का टाइम मिल पाया जब आप पढ़ाई कर रही थी? यार एवरी 15 डेज कहीं तो 2-3 घंटे बाहर जाएंगे. आई जस्ट ओपन अच्छा, सो दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू शॉप? यस, दिस इज व्हाट आई डू. ये वैसे कलेक्शन लाइक क्लास 11th का होगा. क्लास 11 से मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो अब काफी ज्यादा कलेक्शन हो गया है. जनपद, लाजपत नगर, कहाँ-कहाँ बार्गेन नहीं किया, कहाँ-कहाँ से नहीं खरीदा. सर कपड़ों का भी शौक है इतना ही जितना ये जितनी एक्सेसरीज जाहिर है इतने मैचिंग कपड़े भी. टोटली कपड़ों का बहुत शौक है. एक्चुअली आज मैं गई थोड़ा शॉप करने की, काफी इंटरव्यू है, थोड़े कपड़े होने चाहिए. तो ये तो नया नहीं है बट आज मैं गई थोड़ा खरीदने. ये बात सच बोली आपने, थे नहीं इतने कपड़े. चलिए टीना से मिलके आपको समझ में आ गया कि ब्यूरोक्रेसी, IAS की लाइन इतनी बोरिंग भी नहीं होती है. टीना कितनी इंटरेस्टिंग है, मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है मैं स्कूल लाइफ में होती तो शायद सोच लेती. अब तो नहीं खैर हो पाएगा. अब आपको किचन में लेके चलते हैं, सबसे चैलेंजिंग काम वहीं पर होगा. बिल्कुल. अच्छा, आप लोग क्यों मिलने के लिए आए हैं टीना से अगर मैं आपसे पूछूं? Because I was very inspired to see her, that she also devote time with her friends as well as studies, and it so can encourage me. Yeah, okay. I read everything about her. Okay. Yeah, at the same points, my father is like, you should also be inspired and join the IAS, IFS services. It's really a proud moment for her. 5 minutes पहले तक टीना आप हमें बता रही थी आप शाहरुख खान की फैन है, आपके इतने सारे फैंस हैं, आपने सोचा था ऐसा होने वाला है? नहीं, मैंने एकदम नहीं सोचा था. And I don't know, I feel very lucky to have you as my fans and I don't know, I'm very, very happy. Congrats, you're my inspiration model. Choices everywhere. Yeah. I will also ask. How much time? कितने टाइम के बाद ही आज पार्टी वाला हम माहौल यहाँ पर देख रहे हैं? के बाद I'm meeting all of them now. So you know like absolutely no time for celebrations. I guess अभी मैं celebrate करूँगी because they're all here. And I think बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ लाई है मेरी friend मनीषा. मनीषा से हम बात कर रहे थे तो मनीषा अभी कह रही है कि मैं फ्रेंड वाले मोड में कम और फैन वाले मोड में ज्यादा हूँ. तो मनीषा, क्या सीखा है आपने 2 दिन में? खाना वाना चल रहा नहीं चल रहा? दो दिन में तो बिल्कुल मतलब भूख प्यास सब मिट चुका है. इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी है, इतनी डिलाइटेड हूँ मैं. अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड है, उसने टॉप किया, प्लीज उसको हमारी तरफ से बधाइयां दे देना. I have 800 friend requests at the moment. And more so she had 1000 missed calls. ये तो टीना की मुस्कुराहट बता रही है कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल भले ही हो लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है उसको सिंक इन करने में अभी बहुत टाइम लगेगा और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती. आप अपने लिए खुश होते हैं, अपनी फैमिली के लिए खुश होते हैं, अपने दोस्तों के लिए जाहिर है खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, 8-10 घंटे तक की पढ़ाई करनी पड़ती है बट उसके बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं वो जिंदगी भर आपको तसल्ली देते रहते हैं. पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली.